भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में नए जन आंदोलन की शुरुआत कर दी है। ये बात जिला कांग्रेस कार्यालय में पूर्व मंत्री विधायक लखन घनघोरिया ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने बताया, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 30 नवंबर से 5 दिसंबर तक मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन और आगर मालवा जिलों से होकर कुल 387 किलोमीटर मध्य प्रदेश में चली। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ उनके साथ यात्रा में मौजूद रहे। यात्रा के दौरान उन्होंने कैंप में ही विश्राम किया और पदयात्रियों के साथ मिलकर भोजन किया। यात्रा जिन इलाकों से गुजरी उन इलाकों में आम जनता में काफी जोश और उत्साह था। आम जनता सैकड़ों की तादाद में यात्रा में जुड़ती ही चली जा रही थी। उन्होंने कहा कि राहुल जी की यह यात्रा निश्चित ही एक नया इतिहास रच रही है। नफरत छोड़ो भारत जोड़ो नारे के साथ चल रही यात्रा में मध्य प्रदेश के हर वर्ग और समुदाय के लोग शामिल थे। इस यात्रा में बच्चे, बूढ़े और जवान सभी का उत्साह देखने को मिला। सभी ने स्वेच्छा से यात्रा में हिस्सा लिया। राहुल गांधी ने खुलकर जनता के मन की बात सुनी, उनके तन मन धन की रक्षा करने की रणनीति बनाई। प्रेस वार्ता के दौरान लखन घनघोरिया ने कहा कि इस यात्रा की आवश्यकता देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार, सरकार की गलत नीतियों और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए है। भले ही गैर राजनीतिक तौर पर यात्रा शुरू की गई थी, परंतु इसका सीधा लाभ कांग्रेस को मिलेगा। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने बाबा महाकाल और ओमकारेश्वर के दर्शन किए। संविधान दिवस पर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मभूमि महू गए। उन्होंने टंटिया मामा की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान अनेक जगह नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। यह नुक्कड़ सभा में मुश्किल से 2000 व्यक्तियों की क्षमता के हिसाब से आयोजित की गई थी, लेकिन हर सभा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। तैयारी हमारी पूरी है। यदि भारतीय जनता पार्टी ये कहती कि हम गुजरात के पैटर्न पे लड़ेंगे, तो हम भी कहते हैं कि हम हिमाचल के पैटर्न पे चुनाव लड़ेंगे। बहुत सीधा क्या है, हमारी तैयारी पूरी है। हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश में पूरा समय दे रहा है, और 15 महीने की सरकार में जो हमने किया था वो आज भी पब्लिक बोल रहा है। जब लंबे चौड़े बिजली के बिल लोगों के पास आते तब लोगों को लगता है कि वो सरकार अच्छी थी। जब हम हाईवे पे रोडों पे गौ माता दुर्घटनाग्रस्त देखते हैं, मृत अवस्था में देखते हैं, तब लोगों को याद आता है कि 1100 गौशाला भी बनी 15 महीने के अंदर, 113 करोड़ रुपए खर्च भी किए। हम गरीबों के लिए यदि योजना लेके आए थे, कन्यादान योजना 51,000 रुपए गरीब, तो हमने 75,464 शादी की थी और 387 करोड़ रुपया खर्च किया था। इस दौरान एक शादी में हमने वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाई थी, हमने तो पेंशन नहीं दे रहा है। हमने तो 27,000 किसानों का कर्ज माफ किया था, हमने तो 15 महीने में वो करके दिखाया। और हमारी प्रतिबद्धता अभी भी है, यदि हमारी सरकार कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार तो हमारी प्राथमिकता है कि हम किसानों का कर्ज फिर से माफ करेंगे। दूसरा हमारी प्रतिबद्धता है कि हम पुरानी पेंशन लागू करें कर्मचारियों के। अभी जिले में भी हमारे यहाँ किसानों को यूरिया नहीं मिला, आज मैंने सोशल मीडिया पे अपडेट। संविधान हमको दिया, समानता का एक परिवेश हमको दिया, उस पर चोट पहुंचाई जा रही है। स्वाभाविक रूप से निजीकरण होगा तो एक वर्ग के हितों के साथ भी कुठाराघात होगा। जाति से जाति को लड़ाना, धर्म से धर्म। नर्मदापुरम से हिनाली की रिपोर्ट।